HOCl, chlorous acid HOClO, chloric acid HOClO2 and perchloric acid HOClO3 या फिर HCl, HClO2, HClO3, HClO4. तो मैंने आपको बताया था MCQs के लिए जितना ऑक्सीजन का नंबर बढ़ेगा उतना उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा. तो HOCl से ज्यादा एसिडिक HOClO है, उससे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ HOClO2 का है और सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ HOClO3 का है. ओके, एक चीज और बताया था थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी मतलब कितने जल्दी मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो सकता है. तो HOCl में नहीं आ रहा है. हेलो सर, सर आवाज नहीं आ रहा. हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है. हेलो हेलो सर, हाँ बोलो. हाँ सर, आवाज आ रही है. वही बोल रहा हूँ. स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर हुआ है? हाँ हाँ सर, स्क्रीन भी दिख रहा है. अभी बंद हुआ. अभी बंद हो गया. चलो अच्छी बात है. शायद नेटवर्क गया था. ओके, नेक्स्ट इज ऑक्सीएसिड्स ऑफ सल्फर. वो देख लेते हैं हम लोग. ना ऑक्सीएसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखो. ऑक्सीएसिड्स ऑफ सल्फर. नाउ तो क्लास अभी ना जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ ट्रिक्स है, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है. मतलब कुछ ट्रिक्स है, अदरवाइज एसिड बाहर करना बहुत डिफिकल्ट होता है. आई एम टेलिंग यू ट्रिक्स हाउ टू रिमेंबर द ऑक्सीएसिड्स ऑफ सल्फर. बहुत सारे हैं. तो आई टेल यू ऑक्सीएसिड्स ऑफ सल्फर. ऑक्सीएसिड्स ऑफ सल्फर तो क्लास याद रखो, इस लिंकेज बोलते हम लोग. अगर ऐसा कोई बॉन्ड होता है मॉलिक्यूल में इसको बोलते हम लोग पायरो लिंकेज. और अगर ऐसा लिंकेज होता है तो इसको बोलते हम लोग पेरोक्सी लिंकेज. क्या बोलते हैं इसको? पेरोक्सी. तो डैश ओ डैश लिंकेज को पायरो लिंकेज बोलते हैं एंड डैश ओ डैश ओ डैश बैंड को पेरोक्सी लिंकेज बोलते हैं. ये आपके लिए थोड़ा हेल्प करेगा याद रखने के लिए नाम्स. ओके, प्लस सल्फर को थायो भी बोलते हैं, कुछ लोग थियो बोलते हैं, फर्क नहीं पड़ता. सल्फर थायो भी बोलते हैं, ये भी याद रखो, ये भी आपको हेल्प करेगा. तो अगला हम जस्ट टेलिंग यू द ट्रिक्स, क्योंकि आप देखोगे जेई या फिर नीट एग्जाम में एटलीस्ट एक क्वेश्चन पक्का रहता है ऑक्सीएसिड्स के ऊपर. ठीक है, पक्का क्वेश्चन आता है. तो इसमें सबसे ज्यादा जो ज्यादा एसिड है वो सल्फर का है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को. ओके, तो सल्फर को थायो बोलते हैं. मेरा आवाज आ रहा है ना अभी सब लोग को? हाँ सर, एकदम क्लियर. सल्फर को थायो बोलते हैं, पायरो एंड पेरोक्सी. ठीक है, सबसे पहले एसिड आपको बाहर करना पड़ेगा. उस एसिड का नाम है एस इसको आपको बाहर ही करना पड़ेगा. जो ऑप्शन है एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच एंड ओ एच, ये आपको बाहर करना पड़ेगा. उसका नाम भी बाहर करना पड़ेगा. इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड. क्या नाम है इस एसिड का? सल्फ्यूरस एसिड. एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच. ठीक है, क्लास माय क्वेश्चन इज यार. ओके, मैं आपको कल शायद बताया था एसिड कितने एच प्लस दे सकता है. ऑक्सी एसिड वही एच प्लस दे सकता है जो किसको अटैच है?
ओ को अटैच, राइट। तो जो जो ओ डैश बॉन्ड एच है वही बॉन्ड टूट के हमें क्या मिलता है, एच प्लस। तो हमें तो हमें एसिड जितना एच प्लस देता है वो क्या होता है एसिड का डालोगे आप, चल देखते हैं पानी में डालोगे तो आपको मिलेगा एस डबल बॉन्ड ओ माइनस, राइट, ओ माइनस साइन टू एच प्लस, समझ सब लोग को। इधर से एक एच निकलेगा, इधर से एक एच निकलेगा, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन। द एसिड इज डाई बेसिक एसिड, क्योंकि उसके देने के लिए दो एच प्लस है इसको, ठीक है। तो पहला एसिड हो गया, हाँ। और दूसरा एसिड देखते हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, बार बार बोलूंगा, हम लोग सिर्फ ट्रिक सीख रहे हैं एसिड को नाम याद रखने के लिए, हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं देख रहे हैं। चलो दूसरा एसिड देखते हैं कैसे करेंगे। अगर हम लोग क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड ओ है ना, उसको रिप्लेस करेंगे डबल बॉन्ड एस से। अगर उस डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड एस से रिप्लेस करेंगे तो देखो ये ऐसा ऐसा दिखेगा, बराबर है। बस अगेन ये ट्रिक है याद रखने का नाम। तो डबल बॉन्ड को अगर डबल बॉन्ड एस से रिप्लेस करोगे तो क्लास ऐसा दिखेगा। प्लस सल्फर को और एक नाम होता है, कौन सा, थायो। थायो, तो इसका नाम गेस करेंगे हम लोग, थायो सल्फ्यूरस एसिड का नाम होगा इसका नाम, थायो थायो सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। क्लास अभी इसको भूल जाओ सेकंड वाले को, क्लास हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला वापस लेंगे, इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे हम लोग ऊपर लेके, दो मॉलिक्यूल लेंगे इसके ऊपर वाले के, और उसमें से हम लोग क्या करेंगे, दो OH ग्रुप निकाल देंगे, बाजू में करके देखते हैं। तो ये मॉलिक्यूल, इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे, तो S डबल बॉन्ड O OH, और एक मॉलिक्यूल लेंगे और दोनों में से दोनों OH निकाल देंगे, इसका एक OH निकालेंगे, इसका एक OH निकालेंगे, राइट। तो ऐसे कुछ ऐसा दिखेगा, H O S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O OH। क्लास देखो सब स्टूडेंट को JEE में सबसे डिफिकल्ट लगता है स्ट्रक्चर याद रखना, पर इससे आप ऑलमोस्ट सब स्ट्रक्चर इजीली बाहर कर पाओगे मुझे लगता है, क्योंकि हर साल बच्चे आराम से कर लेते हैं। तो क्लास आपको यहाँ पे कितने सल्फर दिख रहे हैं, दो, राइट, दो है सर, हाँ। तो इसका नाम लोग गेस करेंगे, देखो यहाँ पे बहुत सारा गेसिंग है, इसका नाम होगा डाई थायो नस एसिड, क्या नाम, इसका नाम है डाई थायो नस एसिड। तो देखो यहाँ पे जितने भी एसिड उनका सबका नाम है, सर वहाँ पे दो OH है क्या, वो बताओ ना एक बार फिर से, क्या क्या ये ऊपर जो आपने लिखा है ना सर, ये वाला कौन सा, एस डबल बॉन्ड ओ डैश ओ एच, फिर आपने जो बॉक्स में किया है वो फिर से बताओ ना। देखो ये पहला मॉलिक्यूल लिख रहा था मैं, फर्स्ट वाला, हाँ सर, उसके दो मॉलिक्यूल लिखे, एक दो बाजू बाजू में लिखे और दोनों से OH, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है, सिर्फ ट्रिक है याद रखने के लिए। इसका नाम कैसे याद रखेंगे, तो अगर तुम्हें तीसरे का नाम याद रखना क्या करोगे, पहला वाला एसिड लोगे उसके दोनों OH निकाल दोगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो उसका नाम होगा डायथायनस एसिड, समझा। देखो ये पहला वाला एसिड है एच ओ एस डबल बॉन्ड ओ OH, ओके दिख रहा है, ये पहला मॉलिक्यूल में दो बार लिखा हूं मैंने, हेलो, हाँ सर दिख रहे हैं, यस सर, दो बार लिखा है और ये दोनों भी OH निकाल दिया, अगर दोनों OH निकाल दिया तो बॉन्ड किसके बीच में आएगा, डायरेक्ट सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड आएगा ना, आ गया यहाँ पे सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड, हाँ सर, तो ऐसे काम है डायथायोनस एसिड, ठीक है। मेथड नहीं है अभी हम लोग फर्स्ट वाले के
वापस दो मॉलिक्यूल लेंगे और उसमें से हम लोग निकाल देंगे वाटर। अभी पहले क्या निकाला था? OH ग्रुप निकाला था दो दो, और यहाँ पे क्या निकालेंगे? वाटर। कितना वाटर? वाटर एक ही वाटर निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा फिर मॉलिक्यूल। वो HO S डबल बॉन्ड O OH राइट HO S डबल बॉन्ड O OH। व्हाट इज वाटर? वाटर इज HOH बराबर ना? हाँ। तो वाटर निकाल दोगे तो प्लस कैसे देखेगा मॉलिक्यूल बोलो। किसने पहले क्वेश्चन इसने पूछा था वही आंसर देगा बोलो। HO HO डैश S डबल बॉन्ड O फिर ऐसा O वेरी गुड S डबल बॉन्ड O O OH हाँ OH OH ठीक है। हाँ बीच में वो आ गया। हाँ क्लास मैंने आपको एक हिंट दिया था इस लिंकेज को क्या बोलते हम लोग? पायरो बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या वो लिंकेज है यहाँ पे? हाँ सर बीच में yes. है ना यहाँ पे ये लिंकेज है पायरो लिंकेज ना यहाँ पे। तो इसका नाम होगा पायरो सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम है इसका? है पायरो सल्फ्यूरस एसिड। हो गया। उसमें अभी ये हो गया ना। हाँ दूसरी बात। हाँ पायरो सल्फर हो गया तो यहाँ पे सल्फर पे लोन पे है। हाँ क्लास अगर आपके पास पेन और पेन और ये है क्या नोटबुक है? नोटबुक हाँ तो एक पेज के दो पार्ट कर दो और देखो अगर आपका ये एक पेज है तो उसके आधे पार्ट पे ये वाला पार्ट लिख लो। मैं सिंगल पेज हूँ तो ये सब लिख लो एक के नीचे जैसे लिखा है एग्जैक्टली सेम फैशन में लिख लो। मैं आपको 5 मिनट देता हूँ लिख लो ये इम्पोर्टेंट है बहुत। आपको लिखोगे तो ये समझेगा। लिख रहे हो सब लोग? या स्क्रीनशॉट लोगे जो भी बोलो आप बोलोगे वो नहीं सर लिख रहे ठीक है लिखो। दूसरा पार्ट में क्या करना है बता दो ना क्या करना है। बहुत इजी पार्ट है दूसरा पार्ट। ए, इसको बहुत हाई रहती है। क्या नाम है? आयुष। आयुष आयुष बहुत गया इतना। आयुष नहीं तुम अभी किसने बोला? आयुष का नाम किसने लिया? मैंने बोला सर। तुमने बोला ओके। तुम्हारा नाम आयुष है? हाँ सर। ओके आयुष हाँ थोड़ा आराम से आयुष क्योंकि नहीं दादा नहीं सर वो कल मैं पूछ रहा था जो आपने सर कंपाउंड्स बताए थे ना। हाँ बोलो सर। उसमें मतलब सर आपने का बताया था ना कि अगर कंपाउंड जब फॉर्म होते हैं तो ज्यादा अगर एनर्जी रिलीज होता है तो उतना वो स्टेबिलिटी गेन करता है। हाँ बराबर है। तो सर उसमें ऐसा मैं पूछ रहा था कि जब मैंने ऐसा कल नहीं बोला था। हम लोग उनके फॉर्मेशन की बात नहीं करते उनके ब्रेकिंग की बात कर रहे थे कल। फॉर्मेशन फॉर्मेशन थर्मोडायनेमिक्स में बोलेंगे। ओके सर। हाँ यहाँ पे हमने फॉर्म होने की बात नहीं किया कल। हमने क्या बात किया था? थर्मल स्टेबिलिटी मतलब क्या उसको तोड़ना के बाद अगर तोड़ना इजी है तो थर्मली लेस तोड़ना इजी है तो थर्मली लेस स्टेबल तोड़ना डिफिकल्ट है थर्मली मोर स्टेबल मोर स्टेबल है। ऐसा है। फॉर्मेशन की बात कहाँ पे करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में। ओके सर। डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव डेल्टा जी नेगेटिव सब चीजें। क्लास आपका ये हो गया तो बता देना मुझे आगे के चार है। ये चार हो गए तो आगे के चार बहुत इजी है। आपको बिल्कुल दिमाग नहीं यूज करना वहां पे वो अपने आप आ जाएंगे आपको। अगला फास्फोरस के करेंगे बुक में नहीं है पर फास्फोरस के ऐसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट JEE और नीट में क्या करना है बोलो। तुम लोग सर यही करो अभी करो। हां ले लो। हां सर बहुत सबसे ज्यादा वही इंपॉर्टेंट वही है अपने बुक से निकाल दिया। आई डोंट नो मतलब उन्होंने ऐसे बड़ा। हां सर। हां कर लेते हैं। पायरो सल्फ्यूरस एसिड इतना हो गया चार लिख के आपका। हां सर। यस सर ठीक है। क्लास अभी और चार एसिड है सल्फर के एक्चुअली और छह बाकी है। तो भाई आपको सल्फ्यूरस एसिड दिख रहा है? सल्फ्यूरस एसिड यहाँ पे सल्फर के पास लोन पेयर है दिख रहा है ना आपको लोन पेयर। हाँ तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एच ओ
एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच राइट, ये लोन पे यूज करके हम लोग निकाल के वहां पे डबल बॉन्ड ओ लगा सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर डबल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं हम लोग, तो एस डबल बॉन्ड ओ है एक्चुअली कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं, तो ओ एच एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच डबल बॉन्ड ओ प्लस ये सल्फ्यूरस एसिड है। तो प्लस जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे वो अस एसिड, जो राइट हैंड साइड लिखेंगे वो ईक एसिड, जिसका नाम होगा, इसलिए इसको मैंने बहुत सारा ऑर्गेनाइज करके रखा है क्योंकि आपको बहुत इजी पड़े सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो एस का डबल बॉन्ड, एस को लोन पे यूज करके आपने डबल बॉन्ड डाल दिया, सल्फ्यूर एसिड बिकम सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। प्लस अभी नीचे वाला देखो, व्हाट इज दूसरे का नाम क्या है, थायोसल्फ्यूरस एसिड, इसके अंदर भी सल्फर है, क्या करेंगे बोलो, H O S डबल बॉन्ड S O H, ये लोन पर निकाल के आप डबल बॉन्ड डाल देंगे O, नाम नाम गेस करो, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड एसिड, समझे आपको, अस एसिड बिकम एक एसिड, ठीक है। क्लास इसका नाम क्या था, डाई थायोनस एसिड राइट, डायथायनोस एसिड, हाँ तो डायथायनोस एसिड क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लोन पे रहे, यहाँ पे लोन पे सल्फर, लोन पे होता है निकाल दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, नाम बोलो, डायथायोनिक एसिड, अस एसिड को ई कैसे करना है, बस इतना रखो, डायथायनोस एसिड डायथायोनिक एसिड, ठीक है। तो नेक्स्ट एसिड एच ओ एस डबल बॉन्ड ओ ओ एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यहाँ पे लोन पेयर था यूज करो, क्ला अगेन हम टेलिंग, ये सब मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं, ये सब क्या है बोलो आप, ट्रिक्स है। इसका नाम क्या था, पायरो फास्फोरस एसिड, इसका नाम होगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, हेलो सर, हाँ बोलो सर, वो थोड़ा जूम आउट करो ना, पूरा स्क्रीनशॉट लेना, हाँ एक मिनट रुको, फिर पहले सुनो, अगला पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ना लिखना, कुछ बाकी और भी इसमें, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज ओलियम, क्लास ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2 साल पहले, व्हाट इज ओलियम, तो H2S2O से उसका फॉर्मूला था ओलियम का, तो इसका भी फॉर्मूला H2S2O से चेक करो, H2S2O से है या नहीं है, H2S2O से बन, दो H दो सल्फर एंड साथ हो, है ये, हाँ हाँ, तो क्लास ये क्वेश्चन, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ ओलियम, तो अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो फॉर्मूला भी आ जाता है आराम से, तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड आल्सो कॉल्ड एज ओलियम, तो क्लास ये हो गए आपके, और मतलब टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, अभी भी 2 बाकी है, तो बाद में देखेंगे, पहले ये देखो, तो क्लास देखो, बिफोर यू राइट और बिफोर यू टेक स्क्रीनशॉट, सबसे पहले बोलो मुझे, आपको पहला एसिड याद रखना है कौन सा, सल्फ्यूरस एसिड बराबर है, क्या है वो, S डबल बॉन्ड O, हवा में देखो, हवा में S डबल बॉन्ड O O H O H, देखा आपको, क्लास बोलो जल्दी, यस सर, क्लास का नाम क्या, सल्फ्यूरस एसिड, उसका O डबल बॉन्ड रिप्लेस किया S से, तो अभी थायो को भूल जाओ, अभी थायो को भूल जाओ, जो पहला सल्फ्यूरस एसिड है उसके 2 मॉलिक्यूल लो और दोनों OH निकाल दो, तो आपको 2 S बाजू बाजू में जॉइन हो जाएंगे होंगे, तो जब दो बाजू में देखेंगे क्या बोलोगे, आपके पास 2 सल्फर है, तो डायथायोनस एसिड, डायथायोनस एसिड, देखो आपस में सिर्फ कुछ बता रहा हूं आपको ना, कोई मेथड नहीं बता रहा, डायथायोनस एसिड बराबर है। प्लस आप क्या करो, फिर 2 सल्फर एसिड लो, उसमें से वाटर निकाल दो, तो बीच में डैश ओ डैश बॉन्ड आ जाएगा, और जब डैश ओ डैश बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, पायरो बोलते हैं राइट, तो इसका नाम होगा पायरो सल्फ्यू, पायरो सल्फ्यूरस एसिड, और ईक एसिड याद रखने की जरूरत नहीं है, जितने भी सल्फ्यूरस एसिड उनको लोन पर निकाल के डबल बॉन्ड लगा दो, अस एसिड बिकम ईक एसिड, याद रख सकते हो, और बहुत लोगों ने किया भी है, ट्राई करो, देखिए आपको बाद में आपस कभी पढ़ने की जरूरत भी नहीं, एक्चुअली आप ठीक से करते हो तो
क्लास में आपको जेके क्वेश्चन पूछता हूँ. व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड? व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड? 2 रीजन 2H+3. राइट. हाँ. प्लस विच ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, विच ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर कंटेंट S-S लिंकेज? डाइथाइनस. वेरी गुड. प्लस हाउ मेनी S-OH लिंकेज इन थायोसल्फ्यूरिक एसिड? क्लास क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, प्रोवाइडेड आपको स्ट्रक्चर आता है. स्ट्रक्चर आता है तो क्वेश्चन फालतू है. एवरीवन तो क्लास यहाँ पे सबसे बड़ा बिलीव मी बहुत 90% बच्चे भाग नहीं कर पाते. उनको क्या करते हो लाइन में देखो, आठ एसिड लाइन में भाग करने जाते रैंडमली, नहीं हो पाता. तो क्लास बाहर नेम ऑफ एसिड बाय ट्रिक्स, तो ये बहुत ईजी पड़ता है और आपके क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा कम से कम, ये मेरा गारंटी है. ठीक है? ओके. तो अगर ये हो गया तो हमें दो और बाकी करने हैं, वो कर लेते हैं. ये हो गया आपका स्क्रीनशॉट लेके लिख के जो भी है? हाँ सर, हो गया लिख के. ओके. तो क्लास मुझे इसका नाम बताओ, लिखता हूँ पहले मैं. S डबल बॉन्ड O. क्लास अगर मैं बोल रहा हूँ ट्रिक है ये याद रखने का, OH. इसका नाम मालूम है किसी को? ऊपर देखो चाहिए तो. सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड. क्लास हम लोग क्या करेंगे, इस एसिड में अभी हम लोग एक ऐड करेंगे ओ. ठीक है, आगे ये ट्रिक है, मैं थोड़ा प्रिपरेशन है, इसमें ओ ऐड करेंगे. तो क्लास एच ओ, आप डबल बॉन्ड ओ में तो ओ नहीं ऐड कर सकते, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे ओ ऐड कर सकते. राइट, मैं किसी एक जगह पे ओ ऐड कर देता हूँ. प्लस एनीबॉडी गेस करो इस लिंकेज को क्या बोलते हैं? थायोसल्फ्यूरिक एसिड. नहीं, पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड. अरे नहीं, डैश पेरोक्सी. अभी यहां पे पेरोक्सी. पेरोक्सी हां, ये एच है ना, एच. मैं एच को ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिखा चलेगा क्या? दोनों सेम या नहीं है? सेम है, सेम है. प्लस ये लिंकेज क्या कहलाता है? ये लिंकेज पेरोक्सी. पेरोक्सी बोलते राइट? पेरोक्सी. इसका नाम है, इसका नाम है पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड. क्या बोलना है इसका? पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड. और इसका कमर्शियल नाम है, इंडस्ट्री में चलता है, ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है. व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ कैरोज एसिड? कैरोज एसिड कहते हैं इसको, कैरोज एसिड, CARO, कैरोज एसिड. नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसके नाम पे नाम, इसका नाम दिया कैरोज एसिड. यहाँ पे मोनो क्यों आया है सर? बता दो तुम्हें वो, उसका आंसर अभी मिलेगा. पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, एक मिनट में आंसर देता हूँ उसका. क्लास ये सबको समझा? सल्फ्यूरिक एसिड अगर एक को डाल दोगे तो क्या बनेगा वो? पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड. हाँ. क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नाम बताओ. आयुष. यस सर. इसका नाम बोल. हाँ सर, बताता हूँ. हाँ बोलो. सर इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, अरे सर क्या नाम था इसका? अरे ऊपर देख, ऊपर देख. अरे हाँ वही तो है, सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी गुड, बराबर है. हाँ, अभी इसका नाम बता. थाय सल्फ्यूरिक एसिड सर. सल्फ्यूरिक वही है रे, वही मॉलिक्यूल वापस निकाला मैंने. वही है. नहीं सर, वो ज्वाइन करने के बाद बोल रहा था. नहीं ज्वाइन नहीं करना, पहले बताइए. दोनों अलग अलग है ना, दो अलग, दोनों सल्फ्यूरिक एसिड है राइट? हाँ. हम लोग क्या करेंगे? OH ना? नहीं, हम लोग दोनों से OH नहीं, हम दोनों से H निकालेंगे सिर्फ. इसका भी H निकालेंगे, इसका भी H निकालेंगे राइट? देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें ट्रिक सिखा रहा हूँ. इसमें से H और इसमें से H निकाल देंगे. अगर H निकालेंगे तो अपने दो H निकल जाएंगे. क्लास एसिड कैसे लिखेगा? एच ओ एस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ राइट? प्लस ये कौन सा लिंकेज है? पेरोक्सी. और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड कितने हैं? दो.
दो नाम होगा इसका, गेस करो। परोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। परोक्सी डाइसल्फ्यूरिक होगा तुम्हारा आंसर, क्वेश्चन का आंसर। यस सर। परोक्सी डाइसल्फ्यूरिक समझा तुमने, ये सब हो गया ऑक्सी एसिड साथ सल्फर। एक बार देख लो पूरा, तो एक पेज पे नहीं आ रहा शायद। मैं तुम्हें इसको ये पिंच करता हूँ, दिख गया? अगला इस एसिड को एक ना मैं भूल गया, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसका कमर्शियल नाम है, साइंटिस्ट का नाम है मार्शल एसिड। क्या नाम है इसका? नाम है मार्शल एसिड, इसका कमर्शियल नाम। इसका था कैरोज एसिड, इसका मार्शल एसिड, इसका ओलियम सल्फ्यूरिक एसिड, को भी एक नाम है कमर्शियल नाम। ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये सब याद रखो, ये जेई में ऐसे फालतू क्वेश्चन पूछते हैं। जेई में आते हैं ऐसा थ्योरी और चेक ना, ये मार्शल कैरोज एसिड वाला क्वेश्चन चेक करा चुका है, कैरोज एसिड वाला, मार्शल एसिड वाला। मतलब सर वो कैरोज एसिड क्या है वही था? Which of the following is मार्शल एसिड? अच्छा। Which of the following is कैरोज एसिड और इन कैरोज एसिड? अच्छा। Which type of, कुछ क्वेश्चन देखो स्ट्रक्चर आता तो क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, क्वेश्चन बनाने को दिमाग नहीं लगता राइट, क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में दिमाग लगता है ना। हो गया, ये इसी क्वेश्चन मारने के लिए ज्यादा दिमाग लगता है। हो गया सब, ये एवरीवन बोलो कुछ तो। यस सर। ओके तो लास्ट फिर हम लोग देखेंगे ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फेट। हां रुक, ठीक है रुकता हूं सर, एक बार स्क्रीनशॉट ले पूरा ले लो, हो गया तो बता देना मुझे। नहीं नहीं सर, नहीं वो इतना नहीं। हाँ सर इतना नहीं, इतना ये फ्री वाला पार्ट। हाँ ठीक है ले लो। यस सर, डन सर। ओके फिर नेक्स्ट एसिड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो फॉस्फोरस का आपको पहला एसिड बाहर करना है अच्छे से, प्लस पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एच एंड एच, इसका तरीका थोड़ा अलग है, पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एच एंड एच, इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। आपको इसका नाम भी और स्ट्रक्चर भी दोनों बाहर करने पड़ेंगे, आगे के अपने आप आते जाएंगे। हाइपो फास्फोरस एसिड, ठीक है? क्या नाम है इसका? हाइपो फास्फोरस एसिड। ला देखो बाद में लिखना चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेना। प्लस इसके पास दो एच है राइट, डायरेक्टली पी को अटैच्ड, तो कोई भी एक एच चूज कर लो आपको दोनों में से, और उसको निकाल के उसके जगह भी क्या लगा दो। प्लस वापस बोल रहा आयुष, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है, ट्रिक्स है राइट। कोई भी एक एच निकाल दो और उसके जगह भी क्या लगा दो आप ओ एच, कोई भी एक एच को रिप्लेस करो ओ एच से, तो क्लास पी क्या बनेगा? डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच एंड एच, बराबर है। इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है? हो गया। तो अभी क्या करो, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड के दो मॉलिक्यूल लो, उसमें से वाटर निकाल दो। यस एनीबॉडी, कैसे होगा बोलो? सबको मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है।
प्लस क्या निकालने वाला आपको मैंने, वाटर का एक मॉलिक्यूल राइट, प्लस नाम तो आप आराम से कैसे कर सकते हो, H T डबल बॉन्ड O O H O P डबल बॉन्ड O H, ना इंडिविजुअल नाम याद रखने की कोशिश मत करना, बहुत डिफिकल्ट होता है, याद नहीं रहेगा आपको, भूल भी जाओगे, याद रहो भी पाओगे तो भी भूल जाओगे बाद में. Anybody? Any guesses? ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी एसिड लिखे हमने सबके सब क्या थे, OUS राइट, समझाए. तो इधर ऑक्सी एसिड्स तीन लिखे हम लोगों ने, ठीक है, क्या अभी और तीन लिखने बाकी है, प्लस इसको नंबर देता हूँ मैं यहाँ पे, आपको बता थोड़ा ट्रिकी है यहाँ पे फॉस्फरस का, तो ये नंबर वन, ये नंबर टू, ये नंबर थ्री, प्लस अभी जो नंबर फोर बनाएंगे वो नंबर टू वाले से बनाएंगे. इसका रीजन बताता हूँ, आपके पास अभी भी एक एज बाकी है राइट, जो रिप्लेस हो सकता है ना. हम लोग क्या करेंगे, इसके पास जो एच था उसका हम लोग रिप्लेस करेंगे ओ एच से, इसका एच रिप्लेस करेंगे ओ एच से, तो क्लास क्या होगा, एच ओ पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एंड ओ एच. एनीबडी वुड लाइक टू गेस द नेम, मैंने आपको बोला था मैं अगर लेफ्ट पे लिखूंगा तो अस एसिड लिखूंगा, राइट लिखूंगा तो ई कैसे लिखूंगा, एनीबडी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये नंबर फोर पे आ गया, ठीक है. सबके देखो इसी सीक्वेंस में मार्क करना है, वन टू थ्री, बाद में फोर बनाने के लिए वापस बीच वाला एसिड देखना है, उसके पास एच बाकी है ऐसा सोचना है, उसको एच हम लोग यूज कर सकते हैं क्या बनाने के लिए, एच से रिप्लेस करने के लिए, ठीक है. हाँ, प्लस अभी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड आपके पास है, उसके दो मॉलिक्यूल लो और उसमें से वाटर निकाल दो, प्लस डायरेक्ट करूं मैं ये, आई होप ये सबको समझा, ये करके दिखाना पड़ेगा, जल्दी बोलो तो दिखाना पड़ेगा, तो मैं करके दिखाता हूँ ये सब कैसे किया. हेलो, हाँ सर समझ रहा है. नेम ऑफ दिस एसिड, एनीबडी एनी गेसेस, नेम ऑफ दिस एसिड सर, पेरोक्सी फॉस्फोरिक एसिड, पायरो पायरो है ना, ये अमन तुझे पायरो फॉस्फोरिक पसंद है, पेरोक्सी पायरो 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 फॉस्फोरिक पेरोक्सी, ये इसमें पेरोक्सी आता है, ये ऐसा होगा तो दो दो होगा तो इसको पेरोक्सी बोलते हैं. देख चाहे दिखा दो चाहे तो तुझे सली के लिए, ये दिख रहा है पेरोक्सी, हाँ सर, और ये क्या है, पायरो, इसका नाम सर पेरोक्सीफॉस्फोरिक एसिड, हां आपस पेरोक्सी पायरो 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 फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है समझा ना, अभी क्लास बचा हुआ, ये चौथा या फिफ्थ था राइट, और जो सिक्स बनने बनाने वाले हम लोग क्या करेंगे, आपका जो एसिड है कौन सा, फोर्थ वाले से हमने सिक्स वाला बनाया, भी फोर्थ वाले से हमने फिफ्थ बनाया, फोर्थ वाले सिक्स भी बनाएंगे, क्या करेंगे इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे, उसमें से दोनों ओएच निकाल देंगे, पहले में क्या निकाला था हमने, एच टू निकाला था राइट, अभी एच टू नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे दोनों भी ओएच निकाल देंगे, तो क्लास कैसे होगा देखो बाजू में करके देखते हैं, एच ओ पी डबल बॉन्ड ओ OH, नीचे OH, राइट, वन मोर मॉलिक्यूल एच ओ पी डबल बॉन्ड ओ OH एंड OH, हम लोग दोनों OH निकाल दे राइट, तो प्लस सीधा कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, P और P के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड आ जाएगा राइट, ये समझ में आ रहा
Any guesses? Name is come. Plus lake wale ka naam dekh ke right wale ka naam likhna hai. Itna yaad rakho. Yes. Hypophosphoric acid. ये अलग ही आएगा. Hypo. क्यों अलग आएगा रे? Phosphoric acid. देखना इसका नाम क्या है? Hypophosphorus acid. तो इसका नाम क्या होगा? Hypophospho. आपको बताता हूँ कैसे हवा में कैसे करते हैं. पहले किसका नाम याद रखना है बोलो? हाइपोफॉस्फोरस एसिड. कैसे याद रखना है सिखाता हूँ. बोले हाइपोफॉस्फोरस एसिड पी बोलो डबल बॉन्ड ओ एच पी डबल बॉन्ड ओ एच एच ओ एच राइट. पहला हाइपोफॉस्फोरस. अभी कुछ भी याद नहीं रखने का. बाद में बोलेंगे क्या उसका एक एच रिप्लेस किया ओ एच से तो क्या बनेगा वो ऑर्थोफॉस्फोरस से. ऑर्थोफॉस्फोरस के दो मॉलिक्यूल के वाटर निकल जाए तो पाइरोफॉस्फोरस से. हम लोग बोलेंगे हाइपो के बाद अभी भी एक एच बचा है राइट. ऑर्थोफॉस्फोरस के पास अभी भी एक एच बचा है. ऑर्थोफॉस्फोरस के पास अगर उसके पास एक बचा है तो उस एच को रिप्लेस करेंगे किससे? OH से. OH से. तो ऑर्थोफॉस्फोरस बिकम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. ठीक है वो लेंगे उसके दो मॉलिक्यूल के वाटर निकालेंगे तो पाइरोफॉस्फोरिक एसिड. और दो मॉलिक्यूल के दो OH निकाल देंगे तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. एक काम करो जो मैंने अभी बोला खुद के दिमाग में दो चार बार बोल के देखो आपको बैड हो रहा है कि नहीं. देखो अभी का अभी एसिड बैड होने चाहिए सबके सभी है छे के छे. डू इट. पहला ऐसे तो रट्टा मारना पड़ेगा हाइपोफॉस्फोरस पी डबल बॉन्ड हो एच एच ओ एच राइट. एच रिप्लेस किया हो इससे ऑर्थोफॉस्फोरस. दो मॉलिक्यूल ऑर्थोफॉस्फोरस के वाटर निकाल दिया पाइरोफॉस्फोरस. वापस जाएंगे बीच वाले के बाद उसके पास एच बाकी है. एच से ओएच निकाल दिया तो ऑर्थोफॉस्फोरिक. ऑर्थोफॉस्फोरस का दो मॉलिक्यूल के वाटर निकाल दिया तो पाइरोफॉस्फोरिक. और ऑर्थोफॉस्फोरिक का दो ओएच निकाल दिया तो हाइपोफॉस्फोरिक. क्लास बिलीव में ये बहुत इजी है अगर आप ठीक से करते हो तो. और एक के बाद एक एसिड बाहर करते हो कभी याद नहीं रहेगा आपको ये. मतलब याद तो रह पाएगा पर बाद में भूल भी जाओगे एग्जाम के लिए याद नहीं आएगा. वो बाय ट्रिक्स. ये क्लियर है? यस सर. सर एक मिनट. हाँ हाँ मैं रुको मैं अभी कुछ चीजें बताता हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज बेसिस एसिड ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड? थ्री सर. हाउ मेनी पी डैश ओएच लिंकेज इन ऑर्थो पाइरोफॉस्फोरिक एसिड? हाउ मेनी पी डैश ओएच लिंकेज इन पाइरोफॉस्फोरिक एसिड? फोर. व्हिच एसिड ऑफ फॉस्फोरस हैज पी डैश पी लिंकेज? सबसे इम्पोर्टेंट कोई भी ऑक्सी एसिड में याद होगा बहुत केयरफुली सुनो. कोई भी देखो कोई भी ऑक्सी एसिड सर एक्चुअली ऑक्सीलाइजिंग एजेंट बिकॉज दे कंटेन ऑक्सीजन. कोई भी ऑक्सी एसिड जिसके सेंट्रल आइटम को जिसके सेंटर कोई भी सेंट्रल आइटम हो यहाँ पे फॉस्फरस राइट. आई एम सेइंग इन जनरल कोई भी ऑक्सी एसिड जिसके सेंट्रल आइटम को अगर H डायरेक्टली अटैच है तो दैट एसिड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. याद रखो दैट एसिड कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. क्लास क्वेश्चन इज इसमें से कितने ऑक्सी एसिड रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकते हैं आपके पास जो इतने हैं उनमें से छह में से कितने? तीन. तीन. हाँ बोलो. हाँ तीन. वेरी गुड. कौन सा कौन सा है? हाइपोफॉस्फोरिक ऑर्थोफॉस्फोरिक पाइरोफॉस्फोरस पाइरोफॉस्फोरस. हाइपोफॉस्फोरस के पास भी यहाँ पे तो ये तो अच्छा बहुत ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्योंकि इसके दो दो एच राइट पी एच लिंकेज राइट एच डैश सेंट्रल आइटम डायरेक्टली अटैच टू एच. प्लस देखो ये लिंकेज नहीं चलेगा
पी ओ एच नहीं चलेगा बिकॉज पी के और पी और ये और एच पी एच में ओ वो नहीं चलेगा, डायरेक्ट कौन सा लिंकेज होना है, पी डैश एच लिंकेज होना चाहिए। हाँ बोलो, हाँ बोलो अमन बोलो, क्या हुआ नेटवर्क खराब, मेरा आवाज आ रहा है सर? हाँ बोलो ना सर, वो रिड्यूसिंग वाला फिर से बताओ ना, वो रिड्यूसिंग वाला। देखिए व्हाट इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन राइट। हाँ तो जो तुम्हें हाइड्रोजन आइटम प्रोवाइड करेगा H+ साइन हाइड्रोजन आइटम रिडक्शन के लिए वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या हो सकता है, H और P के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है तो बाय होमोलॉजी कंडीशन ये बॉन्ड टूट सकता है। हाँ और दैट हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन कैन बी अवेलेबल फॉर व्हाट, रिडक्शन। हाँ तो इस हाइड्रोजन की बात मत करो, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ये टूटेगा तो H+ के फॉर्म में टूटेगा। वी डोंट रिक्वायर H+ फॉर रिडक्शन, वी रिक्वायर व्हाट, H फॉर रिडक्शन, समझा? यस सर। तो ऑक्सीजन, हाँ बोलो सर, इसके पास H है मतलब ऐसा, इसलिए आपने इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोला सर, लेकिन इसके पास O भी तो है ना सर, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, तो इसके पास O होता तो ऑक्सीडाइजेशन होता ही होता है, पर इसके पास H भी है ना, तो दिस एसिड कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो क्लास ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो विच ऑक्साइड प्लस, मुझे बताओ सल्फर का कौन सा एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है, सल्फर का कौन सा एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है, सल्फर का कोई तो एक एसिड बोलो जो रिड्यूसिंग एजेंट है सल्फर का, देखो मेरा क्वेश्चन समझो आपको, विच ऑक्साइड ऑफ सल्फर कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, आंसर इज सिंगल ही नहीं किसमें, नो वन। हां सर इसमें भी नहीं है, नो वन, कोई भी नहीं, सल्फर का एक भी ऑक्सीएसिड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, सर ये सब क्वेश्चन हो गए ऑक्सीएसिड के, फास्फोरस के ऑक्सीएसिड्स हो गए, सल्फर के हो गए, क्लोरीन के हो गए, राइट आपके। अब ये छोटे छोटे ऑक्सीएसिड लिख लो जो भी अपने बुक में नहीं है, ऑक्सीएसिड ऑफ नाइट्रोजन। हाँ क्लास एक रुको रुको, फास्फोरस का एक बाकी रह गया सर, सर रुको, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो सर, वो रिड्यूसिंग एजेंट होने के लिए सर खाली H+ निकलना चाहिए, खाली H निकलना चाहिए, H निकलना चाहिए, H, H+ नहीं, खाली H, हाँ खाली एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन सर। लेकिन ये P जो अपना है सर, P तो उससे ले लेगा ना इलेक्ट्रॉन, कौन P, फास्फोरस, डिफरेंस ऑफ निगेटिविटी कम है ना, डिफरेंस है पर बहुत कम डिफरेंस है निगेटिविटी का, इलेक्ट्रॉन निगेटिव हाइड्रोजन फास्फोरस में, तो ये बॉन्ड तोड़ना पॉसिबल है किससे, होमोलिसिस से। ठीक है, तो टूट सकता है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा टूटेगा ही, पर हम लोग इसको यूज कर, इट कैन बी कंडीशन अप्लाइड। प्लस अभी देखो नेक्स्ट वन, ऑक्सीएसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, उससे पहले फास्फोरस का एक एसिड बाकी है, प्लस एक एसिड वो पॉलीमर है पी, पहले काम करते हैं, पी पी पॉलीमर समझते आपको, व्हाट इज पॉलीमर, व्हाट इज पॉलीमर, यस सर, सर लॉन्ग चेन ऑफ रिपीटेडली, रिपीटेडली, ठीक है, तो पी पी पी, तो यहाँ पे ये लिंकेज देखो पी ओ पी, ये सब लिंकेज हो रहा है कंटिन्यूस, ये आगे भी बढ़ने वाला है। प्लस यहाँ पे पी के ऊपर डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच, इस पी के ऊपर भी सेम पर यहाँ पे उल्टा, तो अगर यहाँ पे ओ एच, इसके अंदर ट्रांसपोजिशन माना आपको, यहाँ पे ऊपर आएगा ओ एच, सॉरी ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, नीचे आएगा ओ एच, यहाँ पे ऊपर ओ एच आएगा, नीचे आएगा डबल बॉन्ड, एंड ये सब बढ़ता रहेगा, मतलब इट इज एंडलेस, तो ये क्या है, पॉलीमर है। ठीक है, तो क्लास मुझे तो कौन सा यूनिट रिपीट हो रहा है बार-बार, कौन सा बार-बार रिपीट हो रहा है, पी डबल बॉन्ड ओ और ओएच, एच पी ओ 3, चेक करो, हां हां एन टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो एच पी ओ 3 एन टाइम्स, दैट ऑसिड इज कॉल्ड एज अ पॉली मेटा फास्फोरिक एसिड। क्लास याद रखो ये इंपॉर्टेंट है जेडब्ल्यू के लिए, आपको एक्चुअली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, HPO3 इज एन टाइम्स। क्लास और एक है जेडब्ल्यू के लिए सर, ये पॉलीमर कहां यूज होता है,
पॉलीमर होता है, अभी मुझे याद नहीं कहाँ पे होता है पर है बहुत सारे यूजेस होंगे उसके, चेक करता हूँ मैं, बताता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में पॉलीमेराज फॉस्फोरिक एसिड का यूज कहाँ पे होता है। एक्चुअली फॉस्फोरस के बहुत से कंपाउंड्स हैं, फॉस्फोरस सल्फर के कंपाउंड आर यूज इन स्किन ड्रग्स, मतलब स्किन के जो डिसीज होते हैं ना उनको ट्रीट करने के लिए मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर यूज, या फिर मेटलर्जी में यूज होते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स फॉस्फोरस के एंड सल्फर के, चेक करना पड़ेगा मुझे सच में मालूम नहीं है, मैं चेक करके बताऊंगा। पॉलीमेटा फॉस्फोरिक, क्योंकि अपने बुक में भी नहीं है और मैंने कभी सोचा भी नहीं इसके बारे में। पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड हो गया। क्लास एक एसिड और है फॉस्फोरस का, तो क्लास बेंजीन रिंग मालूम है आपको ना, तो वैसे एसिड्स लास्ट वाला एसिड फॉस्फोरस का वो साइक्लिक है, कुछ ड्रॉ मत करना पहले देखना। तो हेक्सा 6 मेंबर रिंग है, तो क्लास आपको सॉरी ये स्ट्रोक निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो बस एक ऑक्सीजन होगा, तो अल्टरनेट ऑक्सीजन है फॉस्फोरस, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ, अल्टरनेट ऑक्सीजन है फॉस्फोरस, तो बस यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ पे फॉस्फोरस है, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ पे फॉस्फोरस है, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ पे फॉस्फोरस, अल्टरनेट समझा। अगला जो फॉस्फोरस है दैट इज बॉन्डेड टू डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच, डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच, डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच, बस इसका नाम है साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो क्लास फॉस्फोरस का कोई भी ऐसा आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला नहीं है, याद रखो, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेडब्ल्यू एग्जाम। क्लास ये एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं है, क्विकली बोलो। नहीं सर, नहीं है, क्योंकि पी को डायरेक्ट एच है, यहाँ पे एच अटैच नहीं है, सो दिस इज नॉट एट ऑल रिड्यूसिंग एजेंट। हो गया, यस सर। अभी ऑक्सीएसिड और नाइट्रोजन, यस सर। सर आपने OH को क्या बोला था, एसिडिक हाइड्रोजन? OH को हाँ, एसिडिक हाइड्रोजन। व्हाट इज एसिडिक हाइड्रोजन मींस, देखो देखो मेरे पास है, समझो मेरे पास M- में इसका रीजन बताता हूं मैं। M-OH बॉन्ड है, राइट, सॉरी M-OH बॉन्ड है, तो अगर ये बॉन्ड वीक होगा तो तुम्हें क्या मिलेगा, M+ एंड OH- हमें क्या मिलेगा, बेस मिलेगा, राइट। M-OH बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड वीक होगा तो तुम्हें क्या मिलेगा, MO- एंड H+ plus मिलेगा, एसिड मिलेगा, तो जो H टूट सकता है, राइट, और H+ बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है CH3COOH, तो देखो यहाँ पे जो आपके पास ये दिख रहा है, ये तीन हाइड्रोजन दे आर वेरी स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड टू कार्बन, सो द वाटर दे विल नॉट डिसोसिएट टू फॉर्म H+ आयन, राइट, because difference of nucleotide between carbon and hydrogen is very very less, so this is highly, this bond is highly covalent, so wo break nahi hoga, right, par yahan pe O and H ke beech mein jo bond hai, so between, because of large difference of nucleotide between O and H, this bond can break, but so this hydrogen is called as what, acidic proton, kya bolte hai isko, nahi samjha, nahi samjha sir, okay, to jo H H+ बन के पानी में जा सकता है उसको एसिडिक प्रोटॉन बोलते हैं। तो क्लास यहाँ पे अगर तुम लोग यहाँ पे चार H+, यहाँ पे चार H है, तो चारों का चारों H H+ नहीं बन सकते, तो जो H H+ बन सकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एसिडिक प्रोटॉन, ठीक है ना? हाँ, ओके सर। और मोस्टली जो H O को अटैच, हेलो सर, हाँ बोलो सर, लेकिन ये जो आपने दिया ये कंपाउंड, ये सर रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना सर? तो ये वाला होगा ना, इसके बस तीन तीन एच है ना सर, डायरेक्टली होगा होगा होगा, चार एच है ना, चार पर तीन सी को डायरेक्ट अटैच तीन ही है ना, अच्छा, तो रिलीजिंग वाले काम वो तीन करेंगे, पासले का काम वो चौथा अलग करेगा, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग हो गया, अभी ऑक्सीएसिड और नाइट्रोजन,
तो क्लास पहला एसिड नाइट्रोजन का N डबल बॉन्ड N OH OH इसका नाम है, इसको बाहर करना पड़ेगा, ऑप्शन है हाइपो नाइट्रस एसिड, क्या नाम है इसका, हाइपो नाइट्रस एसिड। बाद में this is nitrous acid, ठीक है। और बाद में इसका नाम है एनीबॉडी नाइट्रिक एसिड। इसमें कोई ट्रिक नहीं है क्या? नहीं, ये सिंपल है, तीनों तो याद रखना है, हाइपोनाइट्रस हाइपोनाइट्रस एसिड नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। ओके, तो सब एक्सरसाइज अपने खत्म, जितने भी मुझे मालूम थे या फिर जितने हम लोग को चाहिए एमसीक्यूज के लिए जेडब्ल्यू के लिए सब हो गए। ओके, अगला हमने कल ऑक्साइड्स की बात की थी, सबको याद है ऑक्साइड्स? हेलो, हाँ, तो ऑक्साइड्स में क्या था, आपने देखा था कि कम ऑक्साइड्स ऑफ स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, एंड ऑक्साइड्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल या फिर मेटलॉइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, राइट। डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस, ठीक है। उल्टा बोलेंगे तो अक्रॉस द पीरियड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस इंक्रीज, and down the loop acidic strength of oxide decreases. Okay, so important ha abhi ek jo sabse important topic apne textbook missing hai, that topic is hydride class. ab koi bhi book open karo JEE ka MCQs ka, usme hydride ke sabse zyada question milenge aapko. to hydrides to main aapko next lecture mein 10 minute mein hydrides, abhi hamare paas 5 minute abhi bhi hai. to hydrides group 15 group 16 group 79 group 18 class elements of group 15 New Zealand Pakistan Australia sub Bikar, right? O Sardar Selena Teri Poti, theek hai. first class Biryani I 8 class wo jo acetylene hai wo radioactive element hai aur wo na almost khatam ho chuka hai earth ke surface se, wo khatam almost hamare paas hai hi nahi, तो मैं इसका प्रॉपर्टी स्टडी नहीं करता असिस्टेन का। ओके, यहाँ पे ग्रुप 18 हीलियम नियॉन एर्गॉन ज़ेनॉन रेडॉन, नहीं क्रिप्टॉन ज़ेनॉन रेडॉन, ठीक है। हाँ, प्लस एनी बढ़िया एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन, प्लस मेरा आवाज आ रहा है, 7 2.5 वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 वैलेंसी 3 ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन कंपाउंड बनाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो कंपाउंड बनेगा NH3 और सबका अभी जल्दी को एक ग्रुप के एलिमेंट का वैलेंस सेम होता है NH3 PH3 SH3 SBH3 एंड BH3, ये सब हाइड्राइड्स ग्रुप 15 के। तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2.6 वैलेंसी 2 अगर ऑक्सीजन हाइड्राइड बनेगा तो H2O H2S H2SE H2T H2PO, राइट। प्लस फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 वैलेंसी 1
वन बोलो हाइड्रेट HF HF HCl HBr HI HAP neon atom number 10 neon atom number 10 2.8 valency 0 0 तो इनका हाइड्राइड इनके हाइड्राइड्स नहीं बनेंगे बिकॉज़ दे डू नॉट रिएक्ट दिस एलिमेंट्स आर नोबल गैस नोबल गैसेस तो प्लस दीस आर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 16 एंड 17 देखा आपने हाँ तो क्लास एक काम करो एक पेज लो उसमें हाइड्राइड्स लिखो और ये तीनों लिख लो कॉपी कर लो फिर आपको कुछ बताता हूँ उसको कॉपी करो एज इट इज बिकॉज हमें सिर्फ एमसीक्यूज के लिए चाहिए डिटेलिंग बुक में तो है बिल्कुल हाइड्राइड्स तो दिया ही नहीं हम लोग को आपको जितना एमसीक्यूज की जरूरत है मैं आपको सब बताता हूँ हाइड्राइड्स के बारे में yes. तो तीनों लिख लो ग्रुप 15 के हाइड्राइड 16 के और 17 के हाइड्राइड्स ग्रुप 15 के ग्रुप 16 का ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स लिख लो एक काम करो क्लास आप आज लिख लो कल हम उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत टाइम जाएगा इसमें तो आप लिखते रहो तब तक कोई डाउट है तो पूछ लो आपको एनी डाउट हियर हां सर एक डाउट है हां बोलो ना सर वो आपने कल जब एसिड ओ सॉरी एसिड ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड बताया था